चलते सुर्खियों में रहने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शनिवार को ग्वालियर में एक बुजुर्ग महिला के हाथ से थप्पड़ खाए, लेकिन ये थप्पड़ नाराजगी के नहीं दुलार के थे। कल से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने का काम शुरू हो चुका है और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सागर ताल रोड केंद्र पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान एक बुजुर्ग महिला ने मंत्री को इस योजना के लिए धन्यवाद दिया और इस पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अम्मा पहले पिटाई तो कर लो। और फिर मंत्री ने बुजुर्ग महिला के हाथ का थप्पड़ अपने गालों पर लगवाया, जिसके बाद बुजुर्ग महिला ने उसके सिर पर भी हाथ रखा, उनको आशीर्वाद भी दिया। थप्पड़ खाने के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि इन्होंने ही विधायक और मंत्री बनाया है और इसलिए इनके प्यार का थप्पड़ खाना भी जरूरी है। मैंने कहा जिस माँ ने इस सेवक को इस लायक बनाया है, प्यार का जरा थप्पड़ खाना भी जरूरी होता है, उसका आशीर्वाद जरूरी है। और आज उनके अंदर क्या उत्साह है आप देख रहे हो ना, उनकी अंतरात्मा से जो दुआ निकल रही है वही तो ये सरकार आगे और मजबूती से गरीबों के लिए काम करेगी, ये वही प्यार का बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से अगली बड़ी खबर। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आज जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन शुरू होने वाला है। आज सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक कांग्रेस का सत्याग्रह होगा। जिला नगर ब्लॉक मुख्यालय में कांग्रेस आंदोलन